और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चर्बी वाला तेल आस्था से खेल। ये सवाल इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर के चंद्रबाबू नायडू की तरफ से एक बयान सामने आता है, जिसके बाद बवाल बढ़ जाता है। जांच होती है, रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि जो प्रसाद भक्तों को दिया जा रहा था उसमें जानवरों का मांस था, फिश ऑयल था। इसको लेकर के भोपाल से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं चर्बी कांड के खिलाफ, लोगों में गुस्सा। और यहाँ पर देखिए संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जगनमोहन रेड्डी की सरकार में सब होता था। जगनमोहन रेड्डी की सरकार और उसके कार्यकाल पे को लेकर के लगातार सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे, पुतला फूंका गया है और रिपोर्ट में क्या क्या है वो भी आपको बता रहे, फिश ऑयल और इसके अलावा बीफ टेलो ये सब। जबकि अब व्यवस्थाएं ठीक वहां पर की गई है, ये वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये भी कहा। लेकिन अब आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर में अधर्म वाली साजिश का खुलासा हुआ है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट मिलने की पुष्टि हुई और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आरोप लगाए गए थे पूर्व सरकार पर। और अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है कि मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं में जो भोग दिया जाता था, प्रसाद दिया जाता था श्रद्धालुओं को, उसमें बीफ टैलो मिलता था, इसके अलावा जानवरों का मांस मिलता था, मिलावट होती थी, फिश ऑयल होता था और करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। देखिए करोड़ों सनातनियों के साथ खिलवाड़, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। आप देखिए बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपको तस्वीरें हम भोपाल से दिखा रहे हैं, ना सिर्फ भोपाल बल्कि वहां से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है आंध्र प्रदेश से। वह व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक देश में एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि पार्टनरशिप में डीड में जो है वो उसका मेंशन हो सकता है, वहां पर व्यक्ति की आस्था जुड़ी है। भगवान का जो प्रसाद होता है उसको पान करने में हम अपने आप को सौभाग्यशाली भक्त समझता है, उसको अपवित्र करने का, हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का काम जो जगमोहन रेड्डी ने किया, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई की मांग हम संस्कृति बचाओ मंच के लोग कर रहे हैं। हिंदू धर्म को जो भ्रष्ट करने का काम किया उन्हें जेल में जाना चाहिए और उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं लोगों में कितना गुस्सा है, क्योंकि तिरुपति बालाजी को लेकर लोगों में गहरी आस्था है और लोग यहाँ दर्शन करने के लिए विदेश से आते हैं। देश में भी 100 करोड़ ऐसे हिंदू आस्थावान हैं जो यहाँ का प्रसाद पाकर खुद को एक तरह से भाग्यशाली मानते हैं, लेकिन इस प्रसाद में ही मिलावट के आरोप लग रहे हैं और जिसको लेकर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा भी हुआ है। इसी से जुड़ी जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए आपको देते हैं। शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ शर्मनाक। भगवान बालाजी के दर्शन में महापाप शर्मनाक। देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिलने की पुष्टि हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि तिरुपति के प्रसिद्ध बालाजी के प्रसाद को बनाने में जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। टेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी के अंश थे। रिपोर्ट में बीफ फैट, फिश ऑयल समेत कई दूषित चीजें पाई गई है। यह खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि मामला सीधे सीधे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा है, क्योंकि जो भी भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते थे उन्हें प्रसाद के तौर पर दर्शन के बाद यही लड्डू दिए जा रहे थे। इसीलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की TDP की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है, धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। नाराजगी केवल सियासी गलियारों तक नहीं है बल्कि ये मामला मंदिर मंदिर तक गूंज रहा है। बालाजी के मंदिर में जो महापाप किया गया उसे देश भर के साधु संत भड़क गए हैं। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस पोल को खोला, तो मैं निवेदन करता हूं कि जो जो लोग गुनाहगार हैं
उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है और आस्था की घोटाला कांग्रेस ने किया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। बहुत पहले आंध्र के मुख्यमंत्री पूरे तिरुपति स्थानम को ही देवस्थानम को ईसाई उसका ईसाईकरण करने में लगे थे। बीते रोज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में मिलावट होने के आरोप लगाए थे। कहीं न कहीं उन आरोपों पर अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। अब देखना होगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जिन जिन लोगों ने महापाप किया उन पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है, नाराजगी है, अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन आइए आपको ये बता देते हैं कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की तरफ से जो खुलासा किया गया है वो खुलासा क्या है। आपको ये भी बता दें कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने ही लड्डू की जांच की थी और उसके बाद ही ये तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आई, उसके बाद ही लोगों का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। घी में देखिए फिश ऑयल की पुष्टि हुई है और जब ये पुष्टि हुई इसके बाद ही जो हिंदू संगठन है वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। घी में मौजूद फैट की भी हुई है जांच में। इसके अलावा लड्डुओं में जानवर की चर्बी वाली घी मिलाई गई थी, वहीं प्रसाद में कई दूषित चीजें भी पाई गई है। तो ये तमाम खुलासे जो हैं वो रिपोर्ट में हुए हैं और इसके बाद ही जो है अब ये मांग की जा रही है कि जिन लोगों ने इस प्रसाद को दूषित करने का काम किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लाखों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगली खबर क्या है, रुक कर लेते हैं महिमा का। बिल्कुल, देखिए पुनीता, आपको बता रही थी कि खुलासा रिपोर्ट में हुआ है और आपको बता दें कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए, चिंता व्यक्त कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, अब आपको सुनवाते हैं। ये हमारे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। उसके बाद इसको जांच कराने के लिए दोषी जो है उसको दंड दिया गया। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है। ये आस्था के ऊपर आघात है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करें, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है और इसका जांच बहुत ज़रूरी है और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। देखिए, हिंदुओं की आस्था के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, रामलला के मुख्य पुजारी कह रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य साधु संतों की तरफ से भी कुछ टिप्पणियां सामने आई है, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। तिरुपति बालाजी में सब भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहां दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया और उसके बाद 1,00,000 से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए, जो भी आरोपी पाए जाएँ, जो भी दोषी पाए जाएँ। इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है, इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है। तो खुलासा बड़ा है और ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ जगन सरकार में कैसे हुआ, कैसे ये पूरा खेल खेला गया। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जुलाई 2023 में 5 फर्म्स थी जो घी सप्लाई किया करती थी, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी और कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन घी दे रहा था। ये वो फर्म है जो घी दे रही थी। हर 6 महीने में 1400 टन घी का इस्तेमाल होता था क्योंकि बड़ी संख्या में लड्डू प्रसाद के तौर पर यहां बनाए जाते हैं और जुलाई 2023 में
कंपनी ने कम दाम पर घी देने से मना किया। जगन सरकार ने 5 नई फर्म्स को एसएमए सप्लाई का काम सौंप दिया, यानी जो पुरानी फर्म्स थी उन्हें हटाकर नई फर्म्स को सप्लाई का काम दिया गया और इसी फर्म के घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। यानी जो नई फर्म्स थी जिन्हें सप्लाई का काम दिया गया उसमें ही यहां पर मिलावट की गई है और इसी को लेकर यह बड़ा खुलासा अब सामने आ गया है। अगली खबर बता रही है आपको पुनीता। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर आपको उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की बता देते हैं। सुल्तानपुर के बहुचर्चित लूटकांड मामले को लेकर पुलिस ने अब एक और इनकाउंटर किया है। इस एनकाउंटर में 1,00,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में देखिए ज्वेलरी जो है वो भी बरामद हुई है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये वही आरोपी है जिसे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पैर में गोली भी लगी है। एनकाउंटर में अजय यादव गोली लगने से बुरी तरीके से घायल हो गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटे गए चांदी के जेवरात, रुपए, तमंचा, कारतूस और कैश भी जो है वो भी बरामद किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि इसी केस में मंगेश यादव के एनकाउंटर में मौत के बाद सियासी हंगामा शुरू हुआ था और लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है और इसी बीच पुलिस के हाथ ये एक और आरोपी लगा है। तो यूपी के सुल्तानपुर के बहुचर्चित ज्वेलरी लूटकांड मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। सितंबर को सुबह एसटीएफ को सूचना मिली, पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध बाइक लेके जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने घेराबंदी की। इस घेराबंदी में पुलिस ने अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। मानिक उद्देश्य जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1,00,000 का इनाम घोषित है और ये जो टटीडी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था।